न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवेनश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हज हाउस वक्फ बोर्ड ऑफिस में बंद मस्जिदों के ताल्लुक से जो गैर आबाद है, ये बातचीत की गई। इस मौके पर उस्मान मोहम्मद खान ने तमाम तफसीलात वक्फ बोर्ड ऑफिस में बताए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फाइंड आउट करना है, पहले हम हुकूमत में नहीं थे, हुकूमत में जवाब दे आवाम को। तो टेक्निकलिटी ये है कि जितने आईए रहते इनको मालूम रहता कि मस्जिद कहां है। फर्स्ट आपको रिकॉर्ड विद इन 24 आवर सारा आईए आपको लाके देता आपके एरिया में कितने कितने मस्जिद। अब वो मस्जिद को अप्रोच कैसा होना, वो मस्जिद को अप्रोच ऐसा होना जैसा कि राशिद बोले आर्कोलॉजी वाले है, आर्कोलॉजी से हम उसको रिपेयरिंग के लिए वो करना। हम मस्जिद में अगर अप्रोच हो रहे हैं तो उसको रिपेयरिंग कुछ भी बताओ, मस्जिद तो हिल रही थी, इसका छत खराब है, इसका कुछ भी खराब है बोल के उसकी रिपेयरिंग करने के बाद वहां पे उसका रुतबा जिसका कितना है एरिया पे है उन्हें लगा देके उसका बोर्ड लगा देके वो मस्जिद का जो भी टाइटल है 3 खाना 2 खाना है वहां पे उसका एक बोर्ड लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में काम होता अजमत भाई, लेकिन ये आईए करना पड़ता। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टरों को हर चीज की नॉलेज रहती, ये प्रैक्टिकल बात है। अब हम पूरा जैसा अबू आमिर भाई है, कई सालों की मेहनत है, वो इतना फाइंड आउट कर दिए, ये आईए का काम। थोड़ा मैं रफ बोल रहा हूं तो माफी चाहता हूं, लेकिन ये आईए का काम है। वक्फ बोर्ड में हमारी कमजोरियां क्या है बोले तो हम कोई केस भी परस्यू नहीं कर रहे, जैसा कि पीआरएस गवर्नमेंट थी, एक एडवोकेट है 100 केसेस हारा, 90 केसेस दिए उसको 90 हारा, तो हम उसको फाइंड फिर उसको हम क्रिमिनल से उन्हें हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको हैंडलिंग नहीं करें। तमाम चीजें हैं, एक आपको हम बताते कि तो आप करते जा सकते, जैसा कि अब है मंचाए वक्फ है, मंचाए वक्फ में कितने मस्जिद आते हैं, इसमें नॉन मंचाए वक्फ में कितने हैं वो देखना पड़ता। फिर हर जैसा कि अभी मतीन भाई बोले कि एक हाईवे पे अपन एक मस्जिद बनाएंगे तो मंचाए वक्फ के खिलाफ वर्जी होती, निजामिया भी आपको उसका फतवा नहीं देता क्योंकि उसका जो भी मंचाए वक्फ रहता है इसको भाई अलल औलाद के लिए है, कोई रहता कि दुरूद सलाम के लिए रहता, कोई रहता कि चैरिटी के लिए रहता, कोई स्कूल के लिए रहता, ये इसके पैसों से दवाखाने में दो, काफी मंचाए वक्फ है, कोई रोजगार कमा के आप ग्रो अप हो जाओ बोल के है। तो ये मंचाए वक्फ की भी वो भी आप एक चीज देख लेना, थोड़ा आप जैसा अपन होमवर्क कर रहे हैं वैसा। रह गई बात दूसरी के केसेस है अजमत भाई, जैसा कि पब्लिक पूछ रही भाई 8 महीने हो गए रिकॉर्ड रूम क्यों नहीं खुला, हम तो बोले हमारे सीएम साहब भी बोले सब चीज बोले रिकॉर्ड रूम बंद है। रिकॉर्ड रूम बंद होने की वजह ये थी कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन लैंड बुक की जमीन, ये हकीकत है। तो अब अपनी हुकूमत आ गई, रिकॉर्ड रूम खुलना है, फिर उसके बाद जो तेलंगाना गवर्नमेंट हारी केस उसको रिव्यू अभी तक नहीं करे, दाना हुसैन शाह वली का केस भी रिव्यू नहीं करे, उसको रिव्यू करना, ये केस को भी आप रिव्यू करना। उसके बाद कई मसाजिद है जैसा अबू भाई बताया गैराबाद है, जैसा राशिद बोले उस्मान भाई बोले, उसको स्मार्टली अप्रोच, पहले रिपेयरिंग। अब शेख पेट की मस्जिद है, कल परसों में उसका मीनार गिर जाता है, 2 बार बारिश हुई तो आर्कोलॉजी में है ना भाई, आप आपके पास से एक तजावीज दो उसका भाई वीक हो गई, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है इसको रिपेयर करो, जब आर्कोलॉजी जाके रिपेयर करेंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम नहीं बचा सके वक्फ की, अगर कुछ नहीं रहेंगी कुछ भी नहीं कर सकते। कल भी आया आसपास देखने के लिए, परसों भी आई, जमीन नहीं रही, थोड़ी सी जमीन के लिए क्या कर रहे, वो तो शेड के लिए इश्यू आया ऐसा। तो आप लोगों का काम है, इंस्पेक्टरों का काम है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो स्टाफ बढ़ाओ बोल के आप थोड़ा वो कर सकते। आप लोगों को इतना पावर होना ना, आपकी पुलिस वाला सुनता ना, एक ऐसा ही सुनता ना, मोहल्ले का आदमी सुनता, ये ग्राउंड रियलिटी है। तो आप लोगों को पावर मिलना पहली चीज, हम तो आपके पीछे कभी भी खड़ते ही खड़ते, पहली चीज आप लोगों को पावर मिलना है चीज के लिए, एक स्टाफ बढ़ना अजमत भाई, दूसरा स्टाफ को पावर मिलना, इवन पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन दिए तो भी शाम तक जैसा बोले शाम तक भी कंप्लेन नहीं ले रहा, वक्फ बोर्ड से पहले रिकॉर्ड लाओ, हम अगर रिकॉर्ड नहीं ले रहा तो हम रिकॉर्ड सेक्शन सबसे पहले खोलना, रिकॉर्ड सेक्शन नहीं रहने से हम कई केसेस हार गए। और ये रिव्यू पिटीशन डालना, थोड़े बड़े बड़े लैंड के रिव्यू पिटीशन डालना,
ये तमाम चीजें हैं भाई, इसके लिए अगर अपन काम करें तो कुछ कर सकते, बस मेरे यही तजावीज है भाई। थैंक यू। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उमरा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज़।